देश भर में गुरु नानक जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। गुरुद्वारों में भी विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। दुर्ग सिंधी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में भी गुरु नानक जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों संख्या में श्रद्धालु ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भव्य भंडारे का आयोजन गुरुद्वारा परिसर में किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए गुरुद्वारा समिति के प्रधान सेवादार अरविंद खुराना ने पूरब टाइम को कुछ इस प्रकार बताया। सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को तन तन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग में समूह साध संगत मिलके तन तन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पर्व बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। ये हर साल मनाया जाता है, इस साल भी पूरी समाज मिलके यहाँ पे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पर्व मना रहा है। हम ये हमेशा पूरे विश्व में संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कि हर बार गुरु नानक देव जी महाराज जी ने लंगर की प्रथा आरंभ की थी कि कोई भूखा ना रहे, यह प्रथा हर जगह ये सिख समाज चालू रखता है और यह हमेशा कायम रहे, यही हम अपने वाहेगुरु जी से अरदास करते हैं। यह पर समो समाज मिलके आज बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है और इस बार भी मना रहा है। हम सभी समाजों को, सबों संगत को गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने लंगर की प्रथा आरंभ की थी, आज हम यहाँ इस मंच से आपके माध्यम से समूह संगतों को, समूह समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कि लंगर की प्रथा गुरु नानक देव जी ने आरंभ की थी, कोई भी भूखा ना रहे, यही हम संदेश देना चाहते हैं कि हर वक्त कोई ना कोई लंगर किसी भी माध्यम से चलता रहे ताकि कोई भूखा ना रहे, उनके पेट में कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर जाए। अरविंदर सिंह खुराना, प्रधान सेवादार, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग।